आयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। लब्धि उपयोग की चर्चा चल रही है अभी भी। ध्यान करें तो आत्मा उपयोग में आए ऐसा नहीं है। उपयोग की प्रचुरता का नाम ध्यान है। हम ध्यान करेंगे तो आत्मा हमारे अनुभव में आएगी ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा समझ में आ जाएगी तो उपयोग में आएगी। एक 50 साल का आदमी हो, कुंवारा, 50 को कह रहे हो ना, 30 को भी कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 30 को, अब भाई शादी नहीं हुई, बाहर से कहो तुम पत्नी को ध्यान कर, पत्नी का स्वरूप पता है उसे, एडल्ट है वो, पत्नी है, पति है, क्या होता है, क्या सब समझता है वो, लेकिन वो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों समझ में नहीं आएगी? समझ में तो आए, निर्णय तो हो, इसमें स्वाध्याय और निर्णय की कीमत बताना है हमें। समझ में आ जाए और आत्मा उपयोग में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ जाए और खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते आत्मा नहीं आए अनुभव में, ऐसा हो नहीं सकता। जिसे व्यापार की रुचि होती है उसे भोजन करते करते भी वो ग्राहक ही दिखते हैं, जल्दी कर जल्दी कर, अरे रुक जा एक रोटी और गर्म कर दे रहे, अरे तुम गर्म की पड़ रही, वह ग्राहक पड़े खड़े का, रुक जा 2 मिनट गम खाओ थोड़ी दाल गरम कर दे, अरे तुम गरम के चक्कर में सब ठंडी होने वाला, बरस दे ठंडी दाल खा ली फटाफट, कहा कि उसे ठंडी दाल नहीं दिख रही, उसे लगे 2 मिनट खराब होंगे ग्राहक, दुकान पे नौकर अकेले हैं, कोई सामान चोरी चलो जाए कची हो जाए, देख देख देखो उसको पूरा रोटी नहीं दिख रही, दाल चावल नहीं दिख रहे, दुकान ही दुकान दिख रही। जिसको समझते हैं वो ध्यान में आ जाता है। ऐसे आत्मा समझ में आ जाए तो आत्मा ध्यान में आ जाए। ध्यान कहो या उपयोग कहो, उपयोग की प्रचुरता का नाम ध्यान है। रह रह करके उसका ध्यान आता है बहुत। अब दृष्टांत दें तो अब 1 घंटा भी काम है, खूब दृष्टांत दे सकते हैं, तुम खुद लगाना दृष्टांत, हमें तो आगे बढ़ना है समझाने के लिए। तो उपयोग लब्धि उपयोगों की चर्चा चल रही है। उपयोग में आत्मा आए कैसे आए, तो कल रात को अपनी चर्चा चली थी तत्समय की योग्यता, उसका विस्तार अब करते हैं अपन आगे थोड़ा सा। तत्समय की योग्यता ध्यान रखना, रात को कह दिया अल्टीमेट है बात, नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करना, गलत मत मानना। हमें मालूम थोड़ी एकदम उल्टी उल्टी लगेगी, क्यों हमारे अनुभव से उल्टी हो, हमारा अनुभव माने मिथ्या, हमें अनादिकाल का जो अनुभव है उससे उल्टी बात चलेगी थोड़ी सी। लोग कहते हैं समता रखना हो तो आत्मा का ध्यान करो, हम कहते हैं आत्मा के बारे में समझो तो समता आएगी। कैसे समझे उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, हमारा प्रश्न प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। तत्समय की योग्यता सुनो, लोग व्यवहार की भाषा में कहते हैं समय से पहले काम नहीं होता, सुना हो, समय से पहले भाग से ज्यादा, वक्त से पहले, सुनी होगी ये तो बहुत फेमस है, वक्त से पहले और भाग से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बढ़िया सूक्ति है, अच्छी सूक्ति है। वक्त से पहले माने जिस समय काम होना उसी समय बुद्धि उपजेगी, जिस समय काम होना उसी समय दो मित्र थे, डॉक्टर साहब दृष्टांत देते हैं, उन्हीं के दृष्टांत दे रहे डॉक्टर साहब, दो मित्र थे, एक के लड़का था एक के लड़की थी, दोनों ही मुमुक्षु थे, दो ही साधन थे, रोज दो ही घूमने जाते मित्र, रोज घूमने जाते थे सुबह, वो अपनी टेंशन सुना तो हमारी मोड़ी को ब्याह नहीं हो रहा, कोई अच्छा लड़का दिखा,
वो सुनाता था कि यार कोई अच्छी लड़की बताओ हमारे लिए, लड़का है, दो ही बातें कर रहे हो, ऐसे दिन बीतक चले जा रहे। लड़की 30 साल की हो गई, मोड़ा 35 को दृष्टान्त मैंने उम्र बढ़ गई, दोनों की उम्र बढ़ गई। फिर ऐसे रोज दो ही टेंशन में, और दो ही ऐसी बातें कर रहे, और दो ही जने 50 और रिश्ते ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं होने तो नहीं होने। फिर एक दिन वाये ओरी, ओरी से समझ गया, सागर साइड की माता है ओरी। एक दिन उसको सूझा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा लड़का का खराब है। बोले सूझ तो हम भी रहे थे लेकिन अच्छा नहीं लगा था, अपने मित्र मित्र हैं आपस में, अच्छा नहीं लगा, जैसे हम चुप थे। तुम्हारी लड़की का खराब है, जांची पर की अपने घर ही की है, तुम हमें जाना हम बाहर जाना, सबको परिवार घोलो मिलो है, खात पिए तो उठस बैठस ये घर में क्या दिक्कत है। बोले हम संकोच कर रहे थे कि तुम शायद अच्छो नहीं समझोगे, दो ही संकोच कर रहे थे। बरसों से भाव चल रहा, तो जो ही लड़का अच्छा हो, जो ही लड़की अच्छी है, लड़का से कहीं कहे पसंद है, पापा हम तो संकोच कर रहे थे कहे कि आपके मित्र की लड़की हमारी बहन बराबर है, हम कहा कहें बहन बराबर, तो हम भले ही अच्छो भी लग रहा तो कच्ची नहीं बोली। ले कुल मिला करके ये कई सेकंड में निपट गई गाड़ी, जब तक वक्त नहीं आए तो औरत नहीं है, सूझती नहीं है, और जब तस समय की योग्यता आई, आप बोलते ही हो चट मंगनी। कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर सुनाते हैं भैया बहुत परेशान है, क्या करें, तुम चिंता नहीं करो, जिस दिन आएगी एक झटका में निपटेगी, तुम चिंता नहीं करो, देख लियो। बात तो सही है लेकिन अब क्या करें, जो तस समय की योग्यता समझे बिना मैं इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए, आखिर समता तस समय की योग्यता से आती है, जी कह रहे हैं, उसके पहले विचार तक नहीं आते, विचार कह रहे विचार तक नहीं आते। आदि नहीं अब क्या कर, पत्नी बार बार समझा रही थी, हम अपने मित्र के लड़के की सही बात चलाओ ना, चुप रहती, अच्छा लगता है अपने को, वही और अच्छा लड़का देखेंगे, वो चुप कर देता था। और जब भाई तो फिर पत्नी बोली का है अब कैसे कर दे, चुप जी, तब अभी चुप अब अभी चुप, जब देखो जब चुप ही करता हूं, हमारी मानते तो 5 साल पहले निपट जाती, लेकिन निपट कैसे जाती, वो मान कैसे लेता। यदि ये पॉइंट समझा जाए ना, आपको जिंदगी में आकुलता नहीं होगी, स्वयं के परिणाम ही सुधरने का जब काल आता है तभी आता है। दीक्षा का परिणाम आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व तक नहीं आना था, सो नहीं आया, तो नहीं आया। शांतिनाथ भगवान को नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था, तो ब्राह्मण का वेश होना क्या, उन्हें कही है ब्राह्मण का वेश होना क्या आया, उन्होंने ऐसी कही वैसी कही, जो पुराण में पढ़ लेना, चक्रवर्ती तो थे, तो आए कि साहब आपको दीक्षा लेवे को भाव नहीं आ रहा इसलिए हम आए, तो पहले काहे नहीं आ गए, समझ में आ गए क्या। दीक्षा के परिणाम भी केवल ज्ञान में खचित है, यदि पूछ लिया जाए पूर्व तीर्थंकरों से कि आदिनाथ भगवान जन्मेंगे कि हाँ, कौन क्या जन्मेंगे हो, कौन से नक्षत्र में जन्मेंगे हो, कौन से सेकंड पे जन्मेंगे, सब पता है, सब बता देंगे नहीं बता देंगे, और फिर वो सब बहुत पुरुषार्थ करें और शादी ना करें, तो कि इनको पुरुषार्थ केवल ज्ञाता रेवे में है, शादी रोकवे में नहीं है, कहा के उनको पुरुषार्थ ज्ञाता रेवे को है, शादी रोकवे को नहीं है, उनकी दो ब्याह हुई है, नंदा सुनंदा से हुई है, उनसे हो गया। फिर संतान, संतान सब मतलब क्रम सब, फिर भी उनसे पूछे फिर दीक्षा कब होगी, बता दे नहीं बता दे, 83 लाख पूर्व के बाद। इसका मतलब एक एक पर्याय खचित है, जिस समय होनी उससे पहले कभी हुई नहीं और कभी होगी नहीं।
तो फिर पंडित जी हमारा मोक्ष क्या हुई है, बस अब समता रहेगा मोक्ष होगा, फिर नहीं भाव था तो फिर नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, अब तुम्हें क्या करने, रोने हो तो रो लो, हंसने हो तो हंस लो, तुम्हें हंसना हो तो हंसो और रोना हो तो भाई यदि नहीं होनी है तो तुम रो लोगे तो अभी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा रोना ही बता रहा कि नहीं होगी। दस समय की योग्यता जानकर जिनके चित्र में समता है लिखवा लो स्टाम्प पे मोक्ष हुई है, और नहीं भाव तो अरे कैसे नहीं हुई है, क्यों अमावस की रात हो और या पूरे धूप अंधेरा हो और बिजली चमके तो जो माइक नहीं दिखे हो, कि नहीं दिखो तो काय नहीं दिखेगा, जब सब है यार बिजली चमकेगी नहीं दिखेगा, ऐसी तस समय की योग्यता आएगी ज्ञान दिखेगा, अनुभव में आएगा, समझ में आएगा, लीनता भी होगी, केवल ज्ञान भी होगा, होगा लेकिन तस समय की होता है, खेस्तान करने से नहीं होगी। खेस्तान का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, समा पुरानी दृष्टांत है लेकिन बहुत दिन बाद आए इधर तो तुम्हें नव है वो। बहुत दिन बाद आए, तुम लोग बुलाते ही नहीं। कोई बात नहीं, एक बच्चे की मूछे नहीं आई तो अब्बा से पूछ कहा तुम्हारी मूछे कब आई, अब का जवाब दे रहे हो, मम्मी से पूछे बाकी जो तुम्हारे पप्पू है टल्लू जाएगी मूछे कब आएंगे, बोलो अम्मा को टेंशन है पिताजी को, अब मान लो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ बाल पूछी मम्मी हमारी मूछे कब आएंगे, तो अब मम्मी ये भी नहीं मालूम क्रमबद्ध पर आए, लेकिन इतनी तो मालूम है कि आएंगी, कहीं लड़का हो तो आएंगी तो सही, तो मम्मी बताओ ना कब आएंगी, तो प्राण मत खा जब आने होंगे तब आ जाए, फिर हम क्या करेंगे पुरुषार्थ कि तू क्या था दृष्टा है, तू टेंशन मत कर मूछे कब आएंगी, और कसी उपद्रे मत कर लगी ब्लेड मिलेट की, नहीं तो खेती करने लगे। मैं तो कछु करिए मत, आए तो दर्पण में दिख जाए, नहीं आए तो दर्पण में दिख जाए, पतली पतली आई बारी बारी शुरू में तो भैंसी दिख जाए, फिर थोड़ी मोटी हो जाए तो बेबी दिख जाए, और बड़ी बड़ी हो जाए तो दिख जाए, तू तू करी तू छेड़छाड़ नहीं करिए, बता इस शरीर पे कुछ करना पड़ता जब मूछे आती है, तो फिर अम्मा ने वो छोटा बच्चा था ना 8 साल का, सब बाहर से कह रही 16 साल में आता, तो वो भी निश्चिंत हुआ 16 में, अब 16 तक निश्चिंत, अब जैसे 16 तारीख 16 को बाकी भाई डेट बर्थडे अम्मा आई नहीं। तो अम्मा बोली तू खाए बाबा क्या करे, नहीं आई तो मत आम 17 में आ जा, तुम अम्मा कन्फर्म बोलो, अरे बेटा हम क्या बोले जब आने होंगे, मैंने ना तो मम्मी को टेंशन, ना बच्चा को टेंशन, ना पिताजी को टेंशन, आज तो कोई टेंशन नहीं है, ये मूछे जब आएंगी तब आई, मम्मी हम स्कूल में जाते नबी में पढ़ एक 14 साल को मोड़ा है बाहर तो आ गई, तो बाकी योग्यता हुई है सो आ गई, तो हमारी काय नहीं आई, हम तो 16 के हो गए वो 14 तो बाकी आ गई। बेटा तू समझ हर पर्याय की योग्यता अलग अलग है, हर लड़का की योग्यता अलग अलग है, अब कहो 14 साल में नहीं आई और वो 16 को होगा बाकी तब भी नहीं आई, और छोटो भैया 14 को होगा बाकी आ गए, मम्मी जाके काहे आ गई जो छोटो हमसे, बेटा कह दिया ना ये गई उत्तर, तस समय की योग्यता, मम्मी जागी तो पूरी भर के आई हमारी तो भर के नहीं आई, हम दे मिला के आज के बाद पूछेगा क्या दी ना, जब जिसको जैसी और जितनी आनी है उतनी आएगी, बस उससे ज्यादा नहीं है, तुम नाप तोल कर करके दुखी काय हो रहे हो, ऐसे ही हर जीव को किस जीव को कब कहां कैसे कितना किन पर्यायों की निर्मलता होगी वो सब केवल ज्ञान में खचित दिख रही है, और यहां वस्तु में खचित है, पॉइंट पकड़ो जरा, केवल ज्ञान में खचित नहीं, केवल ज्ञान में खचित दिख रही है, खचित तो वस्तु में है, खचित तो वस्तु में दिख मार रही है, अब तुम्हें नहीं दिख रही तो अभी तुम चाहो तो समता रख ले, और दिख जाए तो भी समता रख लो, केवल ज्ञानी को सब दिख रही तो भी समता है, हमें नहीं दिख रही तो भी समता कर लो, जैसे तुम्हें
तब समय की योग्यता समझो तो पंडित जी हमारे परिणाम कब सुधरेंगे, इसी समय सुधारना है बोलो। यहां पंडित इसी समय सुधार दे, ध्यान रखना एक समय में परिणाम सुधरता उसका नाम है कि तुम ज्ञाता मात्र हो, बस तुम कर ही नहीं सकते, अब समता होगी, बस बदल ही नहीं सका तो समता होगी। पंडित जी मैं ऐसे बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं अच्छा प्रवचन कर रहा हूं, मैंने गहराई से लेना इसको, हल्के से नहीं लेना। बड़े बड़े मुमुक्षु खूब प्रवचन सुना, खूब पंडिताई करे, पढ़ाई करे, लिखाई करे, सब करे, और टेंशन में मोड़ी को ब्याह को क्या हुई, अरे तो हुई अब क्या करोगे, हमारा मोड़ा नहीं सुधर रहा पंडित जी, बस एक ही मोड़ा है वो ही बिगड़ो जा रहा, हम क्या करें क्या करो। तुम्हें समता रखना ज्ञाता रहो, बुद्धि को जो विकल्प है हो ही रहा है, उसके जितने निमित्त निमित्त के वैसा हो ही रहा है, तुम वहां में घुस नहीं सके, क्या कर लोगे, रोलो तो क्या कर लोगे, चिल्ला लो तो क्या करो, मारपीट कर लो तो क्या हुई, एक भी पर्याय हेर फेर नहीं कर सकते, समता रखना तो उसी समय हो जाएगी। टोडा मल्ली साहब ने भी बहुत लिखा बहुत लिखा, आखिरी में एक लाइन लिखी, यदि तेरी परिणाम नहीं सुधरे तो तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। आज अभी हम पीछे पड़ जाए, तुम ब्रह्मचर्य तुम हमारे आदिन थोड़ी हो, मैंने कभी कभी ऐसा लगता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अभी हम गए औरंगाबाद, एक परिवार है तो दिगंबर जी नहीं, लेकिन दिगंबर मंदिर आवे को भी ठिकाना नहीं, और सारे देवी देवता मानत पूजा, और रात्रि भोजन कंपलसरी, और आलू प्याज अवक्ष खाना कंपलसरी, संतान को भी ठोक ठोक के खिला दूंगा मैं, इतना तो खतरनाक परिवार, अब कितना तो खतरनाक। अब उसी कुल में एक बच्चा जन्मा, अब कहां से ऐसे संस्कार लेके आया कि वो कह रहा अपन पिताजी अपन जैन है, अपने को पानी छानना चाहिए, ए पानी नहीं छान दी नहीं तो समझ ली, अब वो छिप छिप के पानी छान रहा हो, बड़ी मुश्किल से मम्मी अपने पक्ष में करके पानी छानो, और पिताजी पता लगा फिर अंचन पानी डालता अब बेटा रोटी नहीं खाना चाह रहा, वो आलू प्याज है तो खाना नहीं चाहता, भूखे मरने तैयार लेकिन खाने तैयार, ऐसी पिटाई करी पिताजी ने कि यदि एक मिनट और कोई पड़ोसी नहीं आते तो हत्या ही हो जाती है उसकी, इतनी तो पिटाई करी उस लड़के, आलू प्याज नहीं खाता ऐसा वैसा, अब उसके तो भी भाव नहीं कर, मुझे कहना है समय की योग्यता नहीं आ रही आलू प्याज खाने की, तो उसके परिणाम नहीं बदल रहे, तो नहीं बदल रहे, पिताजी ने ढेरों पीट लिया उसे, अब मम्मी उसे धमका दी है पिताजी को हार्ट अटैक है मर मर आ गए तेरी टेंशन में, तो क्या होगी तू खा ले, देवता वो हाथ जोड़े तेरों का जा रहा, कह रहे तू कर दे, अम्मा ऐसे कर दे, वो कह रहा वो पता नहीं उसका मन नहीं कर रहा, उसका बार बार फोन आता मेरे पास, हम क्या करें हम क्या करें। मेरे बेटा किसी के लिए भी आत्महत्या नहीं की जा सकती, तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो, जैन धर्म पाया है तुम, कोई पूर्व भव से अच्छे संस्कार लेके आए हो, तुम अपने संस्कारों की हत्या मत करो, तुम धैर्य रखो, निकल जाओ इसी समय घर से, रोटी नहीं मिलेगी तुझे यहां पर। अब फोन आया बे ऐसी कह रहे निकल जा, असल बेजस बच्चा कहां जाए, खाए वो रात के आलू प्याज वगैरह सब, हम कि बेटा तू एक क्षण देर मत कर तत्काल आ जा, बोले हम पे पैसा नहीं है, हम पैसा दे रहे, अकाउंट नंबर बोल, तुम्हारा टिकट बनवा दे रहे, बोलो अच्छा फटाफट, चिंता नहीं करना। अब जब उन्हें देखी जो तो जा ही रहा सुमत प्रकाश जी के पास बिल्कुल सेटिंग वेटिंग कर ली मैंने, सामान रख लो, मम्मी से कह दी देखो हम जा रहे, क्या तो हम चुपचाप भग जाए, और नहीं तो हम क्या के जा रहे, जी रखो तुम अपना मोबाइल हो पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हम रात के नहीं खा सकते। फिर हमने एक साधर्मी से कहा इसकी भोजन की व्यवस्था करो शुद्ध भोजन की, पैसे जो लगे हम दें कोई चिंता नहीं करो, इसकी भोजन की व्यवस्था करो तो सही। अब जब उन्हें देख ली जाके तो सेटिंग हो गई फिर पिताजी बोले ठीक है अब आलू प्याज की तो चल गई कोई बात नहीं, रोटी बना जाके लाए सही, अब बनने लगी आगे, अब बनने लगी घर में। हमने कहा देखो भैया सारी दुनिया मेरे से बेर ले ले दुश्मनी ले ले, लेकिन यदि कोई धर्म के लिए कहेगा तो हम सबसे टकरा जाए, चिंता नहीं कर बिल्कुल हमारा नाम ले ले कोई टेंशन नहीं। हमारा कहने का मतलब है अब वो बच्चा कहां से ऐसी योग्यता लाया, अभी दस लक्षण में गए थे प्रवचन तक सुनने नहीं आने देते थे, एक दो बार आया तो आने नहीं दिया उसके पिताजी,
उधर मत जा, बिगड़ जाए सोनगढ़ियां भी बिगाड़ देंगे। नहीं, बिगाड़ देंगे कि तुम्हें सुधरवे को डर है। डर तो सुधरवे को है, बिगड़ने को नहीं, बिगाड़ तो तुम रहे हो। अब वो तो तत्समय की योग्यता की बात है। मैंने उस बच्ची को किसने कहा बोलो? अब उसे तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं मालूम, उसे तो फला नहीं मालूम, लेकिन जिस जीव को तत्समय की योग्यता होती है तो दृढ़ परिणाम होते ही हैं, और कई बार इतना माहौल होने पर भी दृढ़ परिणाम नहीं होते। तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। सुनाओ, हम किसी को परिणमाने नहीं निकले। कोई ब्रह्मचर्य मत लो, हमें राग द्वेष नहीं होगा। हमारे पास जो भाई लोग आते हैं, हमारा एक ही नियम है बहुत साल पहले शुरू से ही है, आने वाले को मना नहीं करेंगे और जाने वाले को एक क्षण रोकेंगे नहीं। कुछ नहीं, जाना एक सेकंड में जाओ, बिल्कुल प्रेम से जाओ। ये आना है तो आजा। क्या जो अंदर से नहीं आएगा उसे रखना वो बेकार है, और जिसको रहना नहीं उसे रोकना बेकार है। सुना, हमें तेरी तत्समय की योग्यता का भरोसा है, भरोसा है। हमें पुटियाने का भरोसा नहीं है, हमें बहलाने का भरोसा नहीं है। पंडित साहब इतनी सुंदर भाषा कहते, मैंने एक बार पंडित साहब से कहा, ये भाई बहुत अच्छा है, इसे आप संबोध दो तो ब्रह्मचर्य ले ले। तो हमसे तत्काल बोले, बेटा ये मोड़ने का मार्ग नहीं है, मोड़ने का मार्ग है। क्या मुड़ने का मार्ग नहीं है, मुड़ तो जबरदस्ती पकड़ के समझाए दे, नहीं मुड़ने का मार्ग। यदि मुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि उसे मुड़ने की योग्यता होगी तो कोई भी निमित्त बन जाए। अपन जबरदस्ती कुछ नहीं, प्रेरणा तक नहीं दी उसे, कुछ नहीं बोला, कोई बात, कोई बात नहीं। हाँ, स्वयं से जागे वो महावीर है, किसी की जगाने से कोई महावीर थोड़ी बनता है। पंडित साहब की बहुत अच्छी भाषा है, सिखाए पूत दरबार नहीं जाता। हम कब तक सिखाएंगे वेद विज्ञान करो, ऐसे करते हम कब तक सिखाएंगे? जो अंदर से जागा है वो ही जागा है। आहा, तत्समय की योग्यता। अब हम बहुत स्पष्ट, थोड़े और स्पष्ट कह रहे, अभी तक दृष्टांत दे दे के नॉर्मल करा आपको। सुनो, अपने हो या दूसरों के हो, मन वचन का है कि परिणाम करना हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बड़ी लाइन कह दी, यदि समझ जाओ तो। तुम जितना वेद विज्ञान करना चाहते हो इसी से करो, तत्समय की योग्यता से। मानते ही तो नहीं, हम क्या करें, क्या करें, समता रखो। क्यों? मानने की योग्यता नहीं है, नहीं मानेगा। तुम तो छोड़ो, भगवान उतारे आज तो नहीं मानेगा। हे, ऐसे कैसे नहीं? अपन तो बुद्धू हैं, वे तो बुद्ध है। बुद्ध माने केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी का एक नाम बुद्ध है। अब अपन केत का नहीं बुद्ध भगवान की जाए कि लोग समझेंगे नहीं, वो तो समझ जाए, इसलिए अपन बोलते नहीं है। आज आपने पढ़ा सहस्त्र नाम का विधान किया ना, आज बुद्ध। तो अब भगवान तो समझा देंगे कि वे भी नहीं समझा पाएंगे। आदिनाथ भगवान मारीचि को नहीं समझा पाए, कि समझा नहीं पाए। अरे उन्हें समझा भी कोशिश नहीं करी होगी, ये बात भी सही है, उन्हें समझा भी कोशिश भी नहीं करी। समझा भी कोशिश भी नहीं करी। क्यों? तत्समय की योग्यता जिसके ज्ञान में है वो समझाने की कोशिश नहीं करते। एक काम करो, 2 साल के पप्पू को समझाओ, इतनी ट्रेनिंग दोगे दुकान जान लगे, दुकान चाबी लेकर समझाओ 2 साल के पप्पू को, कितनी कोशिश करो बोलो। अब पंडित जी इतो से वहां का योग्यता है, इतो से मोड़ा है, वो का समझाते नहीं, समझे तो कब समझेगा? बड़ो ध्यान दे, बड़ो हो जाए अपने आप समझेगा। जैसे तुम्हें विश्वास है तो छोटे बच्चे से कुछ करते तो नहीं, लेकिन कभी कभी जिस तत्समय की योग्यता का भरोसा नहीं होता तो अम्मा इतने से बच्चा पीट दे, देखो तुमने कहो इतो से बच्चा अब रो रहा है, चुप चुप कितनी बार क्या चुप, देख मान ले, देख चुप हो जाने, हाँ देख देख चुप हो जाए, चुप हो जाए बेटा, राजा बेटा चुप, देख अब प्रेम से नहीं मान रहा तू तो डांट के कह रही, मारूंगी मैं, चुप दे तू मिला के। अब हम पूछ रहे बामी योग था ये समझ गए कि तुम मार के कह रहेंगे प्रेम से कह रहे, अब मार दो और जोर से लगो चाह रहा, खुद ही कोई गलती हुई एहसास। बस अब इतना सब अच्छा है, समझा था कच्छ
और फिर भी तुम और मार रही होगी तो फिर दादी आ जाएगी बच्चे की, क्या कर रही थी जाए मार डालेगी, सुनत नहीं है, जो सुनत नहीं है, सुनत नहीं है, तू बेवकूफ है इतनी बड़ी, इतना से तो सुन नहीं रहा, तू सुन रही है तू नहीं समझती इतना छोटा है वो समझता है कि चुप हो जाए कि नहीं हो जाए, अरे जे सोचो कि उसे तकलीफ क्या है, गीजू भाई हुए गीजू भाई, उन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान पे अच्छी किताब लिखी है कि बच्चा रात को 12 बजे पालने में सो रहा और हिला दें तो चुप, जैसे हिलाओ बंद करो तो अपन सो गए, जो सोगा तो अपन सो जाओ, जैसे सो गए गए तो फिर रोन लग, फिर आए हिलाओ से फिर चुप, अब एक घंटा हो गए तो अम्मा बाकी मर जाते हम कहा रोत रहे कहा करें, दिन भर हैरान करे तो रात के हम सो नहीं सके तेरे मारे, अब अम्मा तो चुपचाप जाके घुस गई बिस्तर में रोत रहा, और रो रहा, अब पति देवता समझदार थे उन्हें सोची कब आ गए रोका है, आए उठाओ गोद में ले बिस्तर चेक करो, बिस्तर चेक करो वहां में खटमल थी खटमल थे बच्चा बच्चा तो सो जाता बेचारा, वो खटमल जगा दी फिर क्या करे वो, तो उन्होंने सब बिस्तर बिस्तर झटके साफ सुथरा करा उसको, अच्छा सुना फिर सुना दिया बच्चा सो गया आराम से, अभी आके सो गए आराम से सो गए, फिर उन्होंने पत्नी से कही, अब पत्नी कह जो बहुत दुष्ट है, बोले दुष्ट नहीं तुम समझदार नहीं, बहुत दुष्ट नहीं है वो तो बच्चा छोटा है नादान है उसे क्या पता, बोले फिर कैसे सोगा तुमने कहा जादू करो, हमने ये सोचा कि बच्चा कष्ट के बिना नहीं रोता, या तो भूख लग रही होगी तो तुमने दूध दे दिया उसको पिला दिया, भूखा तो है नहीं, फिर बात कर बिस्तर चेक करे खटमल निकल गया बस सो गया, ध्यान रखो कुछ कह रहे जो कहानी सुना गए मैंने दृष्टांत दे करके, ये दृष्टांत देखे यदि कोई बात हो रही है तो कारण खोजो, क्रोधित मत हो, कारण खोजो समता आ जाएगी, असली अंतिम कारण ये है कि तत्समय की योग्यता, भवितव्य का विचार करके ही समता आती है, आप जितने जितना चाहे भय दिखा दो मार दो पीट दो कछु करो आप विकारों को नहीं रोक पाओगे, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको इस बात का अनुभव ना हो, रो भी लो भक्तामर पढ़ लो मंदिर में बैठ जाओ हाथ जोड़ लो उपवास कर लो तो भी विकार नहीं रुकते, तो सब विकार कैसे रुकते, सुनो ये देखो कि विकार होता क्यों है, कारण देखो ना, विपाक विषय विचार करो ना उसका, अपाय विषय विचार करो ना उसका, होता कहां से, एक बार ट्रिक करोगे फिर नहीं परेशानी आएगी, एक बार सच्ची समझ हो गई बस अब उपयोग में आ गई, वो उपयोग में समझ गए उपयोग में आ गई, अब कभी परेशान नहीं हो गए, अब बहुत आराम से आनंद से रहोगे, क्या कह रहे मन वचन का है कि परिणाम के कर्ता भी हम नहीं है और तुम भी नहीं हो, इसलिए हम तुम बहुत खराब हो, बहुत खराब है ना, भी खराब नहीं है, भी तो तत्समय की योग्यता से गुणस्थान प्रमाण क्रोध मान माया में परिणाम रहे बिचारे, उनका क्या दोष है, देखो कच्ची दोस्त नहीं तो उनकी योग्यता ही ऐसी, बता भूखा आदमी चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा, उसकी क्या गलती है इसमें, ऐसे जिस गुणस्थान में है जितनी योग्यता है वैसे विकार होंगे, उसमें क्या दोष है उस बेचारे का, उसका कोई दोष नहीं है, लो समता आ गए, जैसे हमारे विकार कम मिटेंगे हम तो बहुत पीछे पड़े, फिर रुको तुम्हारे विकार भी समय से मिटेंगे, जो गुणस्थान प्रमाण है योग्यता उससे पहले नहीं मिटेंगे, तो अब हम क्या करें, फिर वही वाली बात, योग्यता का निर्णय करो समता रख, तो सफर योग्यता नहीं बढ़ी तो देखो विश्वास करोगे तो बढ़ेगी, क्या कह रहे विश्वास करोगे पक्के में बढ़ेगी, गारंटेड माल बात है क्या, क्यों कह तो देखो समता नहीं बढ़े तो कह देना, मोक्ष नहीं हो तो कह देना, हम तो मोक्ष तक की गारंटी दे रहे थे, एक ही मार्ग है, आचार्य देव कहते हैं नान्यथा साध्य सिद्धि, इसके सिवा अन्य कोई प्रकार से उपाय नहीं है, कठिन तो नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा सुबह कठिन होगा क्या, गंभीर हो गया थोड़ा है, अब एक आध दिन ही बचे हो और कहा चांद की चांदनी चली जाएगी, इसलिए हमें तो भैया जी बात सिखानी है आपको, सीख गया है तो बहुत जिंदगी भर मुस्कुराओगे, योग्यता का विचार करो बस,
बोलो करेला में अपन का उपाय करेंगे वो मीठ हो जाए, नहीं कोई उपाय बता। आप कहो तो अणमुकामन की जाप करा दें, बोलो आप कहो तो ताबीज बांध दें, अरे बोलो 1 करोड़ को विधान करा दें, और बोलो। अब इसे समता रखने का क्या उपाय बताओ। बोलो बोलो, लिखा है इसमें मोक्ष में प्रकाशक में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। मैं पुरुषार्थ क्या कहा कि निर्णय करा करेला मीठा कभी नहीं होगा, कि नहीं नहीं हम डंडा मार मार के करेंगे। तो सुनो पसीना हो रहा है, वो डंडा मारोगे हाथ धोखेंगे और जितने लोगों में ताली बजाएंगे ओ बस रख गो। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करते हैं भाई, करेला नहीं होगा ना। अरे यहां से कैसे नहीं हो, हम 1 किलो घी में तल देंगे भाई, तो 1 किलो तेल घी कड़वा हो जाए, हम शक्कर डाल देंगे 1 से तो शक्कर कड़वी हो जाए। तुम उपाय कर खा रहे हम जी, तुम मीठो खाने का शक्कर खा ली, दूध रोटी खा ली, हलवा से रोटी खा ली, माने तुम करेला के पीछे काहे पड़े। नहीं मैं करेला को मीठा करके रहूंगा। करो करो, अब तुम्हें समता कब नहीं आएगी, बस तू का स्वरूप विचार करने पर समता आती है। कहां लिखी ये बात, मेरी भावना में बोलो बेटे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सहा करे माने समता, भुगता करे नहीं लिखा, भुगतना माने दुख और सहना माने सुख समता। सहा करे विचार करो बस खत्म। बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते, पंडित जी हम इतने दुखी हैं, हमने जिंदगी में सब काम करे, करोड़ों पुरुषार्थ करे, करोड़ों अरबों कमाला, हम 5 रुपये लेके आए थे भिंड में, कछु नहीं तो हमारे पास, बहुत मेहनत करी और इन मॉडर्न के लाए मकान बनाओ, मॉडर्न को पढ़ा दो, इन्हें सब कर दो, इतनी अच्छी बहू ले आए, सब आ गए, एक हमें पानी नहीं पिया रहा, हमें कोई सुख नहीं दे रहा, इतना सा सुख नहीं देखो, पहले कमावे में रोत रहे तब सुख नहीं देखो, फिर मोड़ा मोड़ी पड़ावे में देखत रहे तब सुख नहीं देखो, बहू आ गई तो इतना सा पानी नहीं जाना। तो ढोर छाप तू करेला मीठो काय कर, अब कठिन लग रही है ऐसे क्यों, ऐसे हम सारे जिंदगी करता तो कल कहा था अभिरमण का भाव है करता तो बुद्धि क्यों, ऐसा तुम सोच क्यों है, तुम्हारे यहां परिणाम निर्मल होंगे, यथा योग्य सारी दुनिया तुम्हें करने लगे, वे भी करने लगेंगे, लेकिन जब तुम रोज की रोज, पता है आपने देखा हो तुम्हारे घरों में भी किए थे कि नहीं किए, हमने तो सुनी है खूब, तुमने कहीं सुनी कि नहीं, हमें नहीं मालूम। जब भी बच्चा कोई गलत काम करता है, शरारत करता है, पढ़ता नहीं कुछ, तो अम्मा एक ही बात के, हमने काय को जन्म दो, काय को पाल पोस के बड़ो करो, पाल पाल जी को काल, मर गए हम तो, का सोच के बड़ो करो था, का सोच के करो था, जी तो गड़बड़ का सोच के करो थे, जो हमें कभी सुख ही नहीं मिलो, तुमसे पानी ही नहीं मिलो, जरा हमारी सेवा ही नहीं करी, तुम काय के हमारे मोड़ा, इतनी उलाइने से बच्चा पहली बार तो थोड़ा प्रभावित भी होता है, सही बात है, अम्मा बहुत कष्ट भोग रही, बात तो सही है, थोड़ा नरम हो जाता है, नहीं जब तो हर जरा जरा सी बात पे केन लगे तो फिर वो केत तो नहीं है लेकिन अंदर अंदर धीरे से केत भोंकत रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया क्या, क्या माने तुम्हारा रोना चिल्लाना कसाय करना कमेंट्स करना, वो फिर बच्चा कहां तक करे, करो तुम्हारी आदत ही पड़ी, हम क्या करें। बहु बिचारी घबरा गई, पति से कही अरे आज अम्मा बहुत दुखी है, बनी रहने दे, उनकी आदत ही है जन्म जिंदगी की, ले अब बहु और सवा शेर हो गई, कहा बहू तो पहले नंबर दुखी भाई कि अम्मा दुखी हो रही अच्छा नहीं लगा, रो रही, रोटी नहीं खा रही है, मरन दे, हम देख रहे जन्म से, ले अब बता कौन ने बिगाड़ी अपनी कहानी, कुछ कह रहे हैं ध्यान रखना सब लोग, यदि तुम्हें सुखी होना हो कभी उलाइना मत दो, बच्चों को भी मत दे, बहुएं तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को उलाइना मत दे,
हमने कहा कि पालो कैसे पालो, हम जाने इतना से नहीं मिला तुमसे और तुमने प्राण खा ले। नहीं नहीं, कोई ने प्राण नहीं खाए। सही बताएं, तुमने प्राणों को समझे ही कभी, जो प्राण तुम्हें प्राणों की रक्षा करने की विधि भी नहीं मालूम। आगे बात समझ में आ रही थोड़ी, दस समय की योग्यता, बहुत विचार करना पड़ेगी आपको। थोड़ी देर तो गुस्सा आएगी, अब ग्रस्त की भूमिका है तो गुस्सा तो आएगी थोड़ी, लेकिन जल्दी क्षमता हो जाएगी, एकदम याद आ जाएगी। अब देखो बच्चा है, बच्चा है, आपने देखा कभी बच्चे खराब हैं इसलिए गुस्सा नहीं आती, अपना मूड खराब हुआ तो गुस्सा आ। क्या कह रहे, क्या कह रहे, बच्चा गलती कर रहे इसलिए गुस्सा कभी नहीं आती। आपका मूड बढ़िया है, आज 10 करोड़ की इनकम भाई, केवी में पैसे नहीं लगे, ध्यान रखिए, 10 करोड़ की इनकम भाई, खुशी खुशी कह रहा है। अब मोड़ा ने कभी 500 रुपया को बर्तन तोड़ दो, कांच को बर्तन, कभी पेंटिंग तोड़ दी, कभी तोड़ दो, नुकसान कर दो। और अम्मा चिल्ला रही थी मैंने बाकी बहुत जोर जोर से तोड़ दी, तो तुम बड़े खुशी खुशी गए। अरे चुप रहे, वो नहीं तोड़ेगा तो तू तोड़ेगी, बच्चा है तोड़ जाएंगे भाई, प्राण मत ले। अरे बेटा आजा तोड़, खूब बात लगी तो नहीं कहीं, अरे बेटा तेरी अम्मा यही है चिल्ला ले। अब आज तुम्हारा मूड अच्छा था ना तो 500 रुपया कच्छ नहीं हुआ, और कहूं तुम्हारा घाटो भाव और तुम घरे आए टेंशन में, और बच्चा पढ़ाई कर रहा था, देखो टीवी नहीं देख रहा था, मोबाइल गेम भी नहीं खेल रहा था, पढ़ रहा था अच्छे खासे शांति से बैठ गए। तो आते थे बस घुगू बने देख रहे किताब, कभी समझ में आ रही है, बस किताब देख रहे, ऐसे होती नहीं पढ़ाई, बोल के पढ़, डर का बेचारा तो बोल बोल के पढ़ने लगो, बस चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे। मारी मुसीबत है। बताओ तुम अपनी योग्यता से परेशान होगी, बच्चों से परेशान। समता का उपाय बता रहे हैं, दुनिया को सुधारने का उपाय मत करो, परिस्थिति बदलने का उपाय मत करो, तब समय की योग्यता जानकर मना स्थिति बदलो, मना स्थिति बदलो, नहीं बदलो बदल ही जाएगी, स्वरूप समझोगे तो। एक बात तो लिख लियो आप, क्या करे, लिख लियो मैंने तुम ही समझ लियो, जहां लिखने हुए लिख लियो, लेकिन यदि तुम दुखी हो तो तब समय की योग्यता का विचार नहीं कर रहे हो, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर रहे, तुम फोकट में दुखी हो, व्यर्थ में दुखी हो। दुखी आदमी को पता है एक गजब बात है, दुखी आदमी को सारी दुनिया खराब दिखाती, क्या करें, जिंदा रहे कि नहीं रहे, मर जाए क्या करें, पत्नी की क्या हुआ, बस अब शुरू मोड़ा पड़ नहीं रहो, बल्ब फ्यूज होगा लेटरिंग को, कब तक बल्ब बदले, क्या करें, जब बिल देख लो 15,000 को बिल आ गया बिजली को, तुम्हें कहा है हम मरे जा रहे कम कम। तो पत्नी ने सोची आज ये बहुत ही गर्म हो रहे, गर्मी चढ़ गई, तनक बादाम को हलवा दे रही है, हम बता कितना अच्छी सोची मैंने, बोलो थोड़ी बादाम को हलवा दे तनक मगज पे ठंडक आ जाए। बेचारी ने बादाम गलाई, खूब प्रेम से घोंटी और फिर घी में बढ़िया सेंक के अच्छा घी डाल के शक्कर डाल के और उन्हें बादाम को हलवा। अब हमें समझ आ रही हमारी कमाई कहां जा रही, गुस्सा में दीवार में दे मारे, इतने इतना घी हम कमा कमा के मारे, इतने तो घी खाओगे तो कहा होगी बता। तो माने हाथ जोड़ ले, कोई बात नहीं, अब रोटी खा ले बैठो, हलवा फेंक दो कछु बात, अब माने रोटी में घी नहीं लगा। बता भैया कौन से दुखी से बता दो। हम कमा कमा के मर जाए, सब खाओ अच्छे, हमें कौन, हमें 2 रोटी नहीं खा सका घी घी, जाने दाल में 1 चम्मच घी डाल देता नहीं। दुखी आदमी को भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। कुछ कह रहे बेटे, सबसे सुखी होने का उपाय बता रहे, आर्ट ऑफ लिविंग है जी, तब समय की योग्यता विचार करके ही संकट दूर हो सकते हैं, सुखी हो सकते हो, समता आ सकती है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। कभी शिकायत मत करो, जे खराब जे खराब जे खराब जे खराब जे खराब, है ना,
तुम सुनता नहीं रख रहे, तुम ही खड़ा हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब क्या करें, जो आदमी दूसरे को दोष दे रहा है समझ ले जाएगी चश्मा खराब है। कह रहे तने जी का नाम जिनेन्द्र भैया, तने जी पीले कपड़े का पहन ले, मुझे दादा ने सोई पीले पहन ले, और मैंने तुमने कहा पीले पहन ले, और कहा तुमने सुनील भैया तुमने जो पीले कहा पहन, अब तुम सब जगह समझ गए तुम भी आग में पी लिया है सब कपड़ा सफेद पहने तुम पीले पीले दिख रहे। ऐसी सभी तस्मय की योग्यता से देखो तो निर्दोष है, अकर्ता है, बहुत बड़े कर्म के उदय के प्रेरित परिणाम दिखाई दे रहे हैं, सब भगवान आत्मा है, बस असमता आ जाएगी। क्या बताएं, एक हम ही है भैया, नहीं तो पूरा घर बंटर ढार हो जाए। हमें पिताजी जब देखो जब देखी बात कहते, जिस दिन हम नहीं होंगे वहां दिन आटे दाल को भाव मालूम पड़ जाए। हमने कही भैया आप नहीं हो तो अभी आटा दाल भी है चावल भी है, कुछ कमी नहीं पड़ी, पिताजी चले गए तो कुछ कम हुआ। हर आदमी को ऐसा लगा जब हम नहीं हुए तब पता लगेगी, कब पता लगेगी कि हम क्या दृष्टा है, क्या हो जाता था। मैं बहुत सोचता हूं जब रामचंद्र जी नहीं थे ना तब भी दुनिया चली, महावीर नहीं थे तब भी चली, आदिनाथ नहीं तो भी चली, जिस दिन इंदिरा गांधी मरी थी सारी दुनिया को ऐसा लग रहा था अब क्या हुई इंडिया को, जब नेहरू जी गए थे तब भी यही लग रही थी, नेहरू जी गए लाल बहादुर शास्त्री आ गए तो फिर लगन लगी, अरे तो ईमानदार नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री, अब क्या हुई है, कैसी नहीं भाव चल रही दुनिया। कांग्रेस के समय ऐसा लग रहा था कि शायद जिंदगी में कभी भारत में दूसरी सरकार बन पाए, कांग्रेस को इस तो वर्चस्व लगता था, अब आ गए ना मोदी आते गए आ गए। अब मोदी की बात क्या हुई है पंडित जी, तुम्हें रोने हैं तो रो, तुम्हें रोने तो रो, वो तो हुई है मां का जो कमी नहीं होने वाली, इसलिए कभी खंभा बन के मत जियो, इस घर में हम नहीं होंगे तो क्या होगा। सुनो यदि हमारी दृष्टि में हमारा ज्ञायक नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचो हमारा क्या होगा, यदि हम अपने को नहीं समझ पाए समता नहीं रख पाए तो हमारा क्या होगा, दुनिया का तो वही होगा। और सही बताएं बिल्कुल सही ही होगा, ऐसे तत्समय की योग्यता समझो। ये मन वचन का है कि परिणाम भी होने योग्य होते हैं, करने से होते हैं नहीं, बदलने से बदलते नहीं, ये समता रखने के लिए बात चली। ध्यान रखना चरणानियों कम ऐसा क्रिया की तरफ से बोलेगा, कल बता चुके हो, वो तो फिर भी कहे क्रिया सुधारो परिणाम सुधारो प्रमाद मत करो, बढ़िया अच्छी बात है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेट जब फिर भी परिणाम नहीं सुधरे तो अभी समता रखने का एक तरीका है कि जब परिणाम सुधरेंगे तभी सुधरेंगे। एक अंतिम दृष्टांत देके बात करें पूरी हो गया क्या है, 45 मिनट हुए अच्छा चलो अंतिम दृष्टांत दे रहे सुनो, हम तो घूमते चली घड़ी रख लिया तो समझ। 3 साल के बच्चे को वही टीवी दिखाओ तो अभी उसे वैसे वासना के भाव नहीं होंगे, और 20 साल के बच्चा को नहीं दिखाओ, कच्चू मत दिखाओ, बंद कर दो टीवी मोबाइल टीवी, तो अभी उसे ऑटोमेटिक भाव होंगे होंगे और होंगे। क्यों, योग्यता पर बाहर का असर नहीं पड़ता, योग्यता स्वयं ही वैसी होती है, सिखाना नहीं पड़ती विकार, वे ऑटोमेटिक होते हैं, समय पाकर होते हैं, आयु के अनुसार होते हैं, हार्मोन चेंज होते तब होते हैं, शरीर बढ़ता तब होते हैं, पहले नहीं होते। और सुनो अब एक 90 साल के आदमी बिठाए दी भैया से कहा है जी झुंधरा आ रहा है, कहा कर कुछ लगा ही नहीं रहा, कहा निमित्त कारण, निमित्त मूल कारण हुआ कि तत्समय की योग्यता मूल कारण हुआ। बड़े बुजुर्गों से कहो रसगुल्ला खा ले, अब ले आओ हमें कहा है कुछ नहीं चाहिए, कहा है बोलेगी। और छोटे बच्चा से कहो कहो मत अम्मा हमें कब मिलेगा, जी दोनों के परिणाम तत्समय की योग्यता से बदले हैं, कभी उन्होंने पुरुषार्थ नहीं करा जिससे बदल गए। हमें जितने भी 70-80-90 वाले मिले तो बड़े खुशी से मिला था हमसे, हमने कहा कब आया
देखिए पंडित जी अब हमें मोह नहीं रहा, हमें बड़ो आश्चर्य हुआ, यथा ख्यात तो भाव नहीं तो नहीं। तो मोह कैसे नहीं रहा बता दें, उनकी खुशी को आधार, हमें मोह नहीं रहा। बोले अब दो जोड़ी कपड़ा है, अब हम कपड़ा खरीदने की रुचि नहीं रही, सो मोह नहीं रहा। तो हम क्या 90 की बाद में खरीदोगे, मैंने 80 के बाद भी पहनोगे, नए नए खरीदे क्या करोगे, कैंसिल जो कोई मोह टूटने का कारण है। पंडित जी अब तो दो ठगुआ रोटी खाओ, अब कच्छ नहीं खाओ, मैं खाओ नहीं कि पचत नहीं है। जो कैंसिल तुम्हारा मोह नहीं है, तुम क्या कह रहे हैं पंडित जी, हम दुकान पे भी नहीं जाते, जात नहीं है कि वो बैठन नहीं दे, चलत नहीं तुम्हारी, चलन नहीं दे तुम्हारी, तुम काय के बल पे कह रहे हैं मोह नहीं है। पंडित जी अब तुम जी कमरा में बैठे, मंदिर जा तो कहीं नहीं जा, सुना थे प्रवचन अपने आराम से, कच्छू नहीं कर, नहीं अब तो कभी बचो नहीं ताकत, जहां से कह रहेगी कि अब आत्मा में संतुष्ट हो गए तो कह रहे, सुनो यदि आत्मा में तृप्ति है, भेद ज्ञान है तो शाबाश, और मजबूरी में हम हमारी उम्र कम थी 25 साल समझ लो, भुट्टा के सीजन में हमारी तो हरी लिमिटेड रहती ना, तो भुट्टा जिस दिन खाएंगे तो 2-3 खाएंगे, तो हम भुट्टा खा ले 2-3। अभी 70-80 वाले ब्रह्मचारी थे भाई वहां पे आश्रम में, आश्रम में ब्रह्मचारी देख पेट दुखे, वो इतना नहीं खाए जा, उन्होंने ऐसा लग रहा, तो हमें सोच सुनी उनकी बात, समझी उनकी बात कि कब भुट्टा खावे से पेट दुखा दे, और फिर उन्होंने कही हम नहीं खाते, तो हमने बहुत सोच लिया उनसे, कह वे तो बुजुर्ग अपने आदरणीय है, पूज्य अपने, अपन उनसे थोड़ी कुछ कहेंगे, भाई बड़े लोग कुछ कह रहे तो सोचो विचार करो, तो उनसे तो हमने कुछ नहीं करी, हमने बहुत सोची कि, तो फिर हमने धीरे से उनकी सेवा करते हुए कही देखो आपकी उम्र में हम आएंगे ना तो यहां से हमें भी लगेगा, अबे तो उम्र पचावेगी, अबे तो खा ले, और फिर तो आपकी उम्र में जाए तो हम खा भी नहीं पे, समझे कुछ क्या कह रहे, माने योग्यता नहीं होगी तो हम करेंगे क्या, जे पुरुषार्थ नहीं है इसका नाम मोह टूटना नहीं है, मोह टूटना तो इसका नाम है। आहा, बोलो सामने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन रखिए, और पचाने की शक्ति भी है, और तो आत्मा का ऐसा आनंद आया, रहने शाबाश, क्या कह गए, दो बातें बोलो, भोजन भी है उपलब्ध और पचाने की और शक्ति भी है, लेकिन स्वरूप की तृप्ति के सामने का है, तुम समय खराब कर दे, हटा दे पेट भरने का है, गड्ढा भरने गड्ढा, समझ गए, मुनिराजों के लिए गर्त पूर्ण वृत्ति भोजन की, का है कच्चा है जय। अब आज तो तुम्हें जाए कचु हलवा बना ली थी, हम कह रहे जानबूझ के कभी नहीं करना है ऐसा, त्यागी प्रति होकर कभी नहीं करना, का है हम तुम्हारे भिंडू का रोज रोज जात जन्म जिंदगी में आए, पूरी नहीं बना सकते, थोड़ा सा हलवा बना दी एक चम्मच को, कैसे खुआओ जात, तो नहीं जाना तुम अपने सम दिए जाते से तो झट पूरी और हलवा, और त्यागी प्रति होगी आदम नहीं, कभी नहीं करना भूल गया, अरे ऐसा भाव अंदर नहीं रखना जी, कह रहे बाहर तो बहुत छोड़, सुना ब्रह्मचर्य जिन शासन का चंद्रमा है इसे कलंकित नहीं करना, अविरमण रूप पाप भाव करके कलंकित नहीं करना, कछु बना नहीं सकते कछु बने, सुना क्या बात बोली बेटे अपन ने, अभी है भी भोजन अच्छे से अच्छा और पचाने की शक्ति भी है, उसी समय वेद विज्ञान के बल पर आनंद आया, ये लगा कहा करने, जो शरीर में गड्ढा में चार्ज तो भर दे, भरात तो है नहीं, क्यों शरीर कभी कंप्लेन करता कि तुम दाल रोटी का खाए, और कभी खुश हो जाए थैंक्स माई सॉल तुमने आज क्या हलवा खिलाया, मैंने ये तो ये तो बेचारा बीतरागी है, क्या कह रहे ये तो बेचारा बीतरागी है, कच्चू नहीं कहते ब्याह नहीं करो तो जने के कहा तुमने ब्याह नहीं कहा, और ब्याह कर लो तो जने के कहा तुम क्या कर रहे, आ गई है, एक काम करो शुद्धात्मा को जानकर सावधान रहो, ठीक है,
विचार करना तत्समय की। मोक्ष प्रकाशक जी का एक बाग का आया था, कौन सा बाग का आया था, भवितव्य का विचार करने से समता आती है। सब लोग दोहराना जरा, भवितव्य का विचार करने से, पीछे से आवाज नहीं आई, क्या बोला अपन ने, समता आती है। ये सिद्धांत वाक्य है, आगम का वाक्य है, आचार्यों के द्वारा अनुभूत किया गया नुस्खा है। पंचाव इसको ऐसा कहते हैं कि अब इसी सिद्धांत वाक्य को चरणानियों की भाषा में बदल दो, अर्थात जिन्हें अपने जीवन में समता रखनी हो उन्हें प्रत्येक प्रसंग में भवितव्य का विचार करना। ये दवाई खाने से ये रोग मिटता है, ये दवाई की क्वालिटी। आपका चरणानी उपयोग क्या बनेगा, जिन्हें अपना इस जाति का रोग मिटाना उन्हें क्या करना चाहिए इस दवाई का, तो भवितव्य का विचार क्या आती है, समता आती है। तो अब हमें क्या चाहिए, समता। प्रत्येक प्रसंग में क्या करना चाहिए, सचमुच हेलो हेलो हेलो, विशेष पुण्य भाना होगा जो आज इतनी सरलता में इतनी सुगमता से जिनवाणी के रहस्य सुनने को मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सचमुच आप पूरी जिंदगी इन्हीं प्रवचनों को रिपीट करते रहना और सुनते रहना और अपना जीवन धन्य ना हो जाए, अपनी योग्यता ना पक जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सचमुच ऐसी सरल शैली, सरल शैली, मैं तो बस देखते देखते मुस्कुराता रहता हूँ। सचमुच ये अमृत सब जीवों को पीने लायक है, शराब पीने लायक है, क्यों कसाईयों का जहर पीते रहते, क्यों दुखी बने रहते। अरे जिया, पंडित साहब ने ऐसा एक पंक्ति लिखी है उनके कमरे में, वहां पर लिखी है घनिया में, अचय अनंत सकति को स्वामी। प्रत्येक जी कैसा है, कैसा है समाधि मण का आपने चित्र देखा, एक मुनिराज की सब मुनिराज समाधि करा रहे हैं, तो वहां वो आचार्य मुनिराज उस छपक को संबोधन कर रहे हैं, अक्षय अनंत सकति को स्वामी, तो मैं सुख को न टूटो काहे तुम बिने कारण दुख भोग। हे जी, 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 जी बिना कारण जीत कल्पना कर कर के क्यों दुखी होती हो, प्रत्येक प्रसंग में योग्यता का विचार क्यों नहीं कर कर। बहुत धार्मिक प्रश्न सच बताया आपके लिए, दोहराने में तो असमर्थ ही हूँ, बस उनके मुख से ही ये बातें शोभा देती हैं और उनको ही अपन बार बार सुने। हमने देखो आपसे नियम लिया है, प्रत्येक जीव की आदत बनाओ, 24 घंटे में कम से कम एक घंटा तो अपनी आत्मा पर दया करो, एक घंटा तो निवृत्ति निकाल करके अपने लिए ऐसे प्रश्नों के माध्यम से संबोधन करो। अरे 23 घंटे घर गृहस्थी पाप में जा रहे, जान दो, लगाने लायक नहीं है। घर के लोगों से भी कहना, जब हम जिंदगी के 20-20 घंटे तुम्हारे लिए झोंकते हैं तो रात्रि में एक घंटा पूरे परिवार को साथ में बैठ करके इन मंगल वचनों को सुनना भी है, पाठ भी करना है, तत्व चर्चा करना है, तत्व चिंतन करना है और भावी सिद्धों का परिवार बनाते हुए विद्यालय में विराजमान होना है। सचमुच ये सिद्धचक विधान हम सबके हृदय में सिद्धत्व की स्थापना कर दे, ऐसी मंगलवाणी अपन सुन रहे थे। मैंने 2 दिन पहले एक निवेदन किया था, आजकल मोबाइलों पर प्रवचन आ रहे हैं, आदरणीय पंडित साहब के जो प्रश्न अभी हुआ ना, शाम को लोगों के मोबाइल पर पहुंच जाता है, बाहर से खबरें आती हैं, अरे आज के प्रश्न तो गजब आनंद आ गया। तो जिनको अभी भी उन मोबाइलों के माध्यम से प्रवचन सुनने की भावना हो, आदरणीय भाई साहब के, पंडित साहब के और विद्वानों के प्रश्न उसके आते हैं, आप अभी भी अपना नंबर और नाम सहित एक स्लिप बना करके दे देंगे तो हो सकता है कल से ही आपके मोबाइलों पर ये तत्काल के प्रश्न आने लगेंगे और इसके पहले के पूर्व के प्रश्न भी बहुत सारे मोबाइलों के माध्यम से पड़े हुए हैं। अलग से आजकल सीडी की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल अलग से कैसेट की जरूरत नहीं पड़ती है और हम लोग सीडी वगैरह ज्यादा बनाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको मोबाइल से सुनने की आदत नहीं है सीडी के माध्यम से सुनना चाहते हैं
वो अभी से साहित्य के स्टॉल पर सीडी बुक करा दें, और जो बहुत सुंदर कहानी की किताब आई है पावन मन, घर घर में दो दो पांच पांच दस दस ले जाके रखो, और कभी कोई मित्र कोई साधर्मी आए चुपचाप गिफ्ट में एक किताब तो पकड़ा ही दो, ताकि घर जाके पढ़ेगा तो कुछ सोचेगा कि चलो इनको हमसे प्रेम है। और ऐसे ही वो सुंदर सुंदर स्टीकर जो साहित्य के स्टॉल पर आए हैं वो भी आप लेकर के जाएं, ऐसी हमारी भावना। अभी अपन सब कायस्थर करेंगे, कायस्थर करके शुद्ध जल से शुद्धि करेंगे और फिर विधान की अर्चना करेंगे।